अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पराठे की रेसिपी में लेके आया हूँ। थोड़ा बारीक कांदा काट लेना है, थोड़ा बारीक टमाटर काट लेना है, थोड़ी हरी मिर्ची बारीक काट लेनी है और थोड़ा धनिया। और हम 4 अंडे यूज़ कर रहे हैं, आप जितने चाहे उतने यूज़ कर सकते हो, आपको जितने बनाने हो। गेहूँ का आटा है, इसे अब डो बना लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। एक कटोरी आटा है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए डो बन के तैयार है। एक कटोरी लिए, उसमें अंडा फोड़ेंगे। दोनों अंडे फोड़ लेंगे, इसमें थोड़ा कांदा डालेंगे, थोड़ा टमाटर डालेंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे, थोड़ी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची। आपको ज़्यादा तीखा रखना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें तो छोटी सी लोई तोड़ेंगे। गोल कर लेना है, इसे थोड़ा आटा लगा लेना है इस पर। अब इसे थोड़ा बेल लेना है। साइड में रख लेना है। अब ये दूसरा भी बेल लिया है, अब उसी के ऊपर रख लेना है। अब इसे एक साइड से बंद कर लेंगे, पॉकेट बना लेंगे जैसे। ये देखिए ऐसे ऐसे बंद कर देना है ऐसे, और अच्छे से बंद करना है जिसमें से अंडा ना निकले इसके वजह से, वरना कभी कभी अंडा निकल जाता है। अच्छे से इसके लिए देख के बंद करना है। एक साइड का खुला रखा है जिसमें अंडा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया अंडे को, इसमें धीरे धीरे डालेंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ा गिर गया है मुझसे, सॉरी। इसको तवे को गर्म कर लेंगे अच्छे से, फिर इसके ऊपर पराठा डालेंगे। इसे थोड़ा सेक लेंगे, अब धीरे धीरे तेल डालेंगे, पका हुआ तेल यूज़ किया है हमने, राई का, मस्टर्ड ऑयल। अब इसे धीरे धीरे सेकना है। ये देखिए अब सेक चुका है ये। अब इसे प्लेट में निकाल लेना है। ये देख तो अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसे बीच में कट कर लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक बार ज़रूर रेसिपी बनाकर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर बनाएं एक बार।